हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है बेसिक वीव्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक वीव्स के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप रिबन वीविंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसमें आपको इन ग्राफ्स की आवश्यकता अवश्य होगी। रिबन वीविंग करने के लिए जैसा कि हमने सीखा था कि हमें अलग अलग वीव्स के ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, तो आज हम सीखेंगे कि वो अलग अलग वीव्स के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन वीव के ग्राफ से, जिसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर आप 8x8 का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप 8 इंचेस का स्क्वायर मार्क करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आप इसको इक्वली डिवाइड करेंगे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल भी। इस दिशा में भी आप लाइंस को मार्क करेंगे। तो जैसे ही ये ग्राफ 8x8 का रेडी हो जाता है, उसके बाद आपने इस ग्राफ की नंबरिंग करनी है। वो किस तरह से? पहले आप नीचे वाली साइड से मार्किंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब वर्टिकली भी इस दिशा में भी आप इस ग्राफ की नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जब इस दिशा से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 आपने इसी यहाँ से ही स्टार्ट करना है। अगर आप इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क करेंगे तो फिर आप 1 बॉक्स इसको कंसिडर करेंगे या इसको। इसीलिए अगर आपने पहली बारी में यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क किया है तो आपको इधर से ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क करना पड़ेगा, ताकि आपका जो ये पर्टिकुलर बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये 1 कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा। अब नंबरिंग करने के बाद हमें प्लेन वी बनाने के लिए इसमें क्रॉसेस और खाली बॉक्स के हिसाब से प्लेन वी को इसके अंदर ड्रॉ करना है या प्लॉट करना है। और वो कैसे किया जाता है? प्लेन वी जो होता है वो होता है 1 अप एंड 1 डाउन। तो जहाँ पे आपने 1 अप बताना है वहाँ पे उस बॉक्स में आप क्रॉस लगाएंगे, और जहाँ पे 1 डाउन होगा उस बॉक्स को आप खाली छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसके अंदर प्लेन वीव को ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं। तो पहले बॉक्स नंबर 1 में 1 अप, बॉक्स नंबर 2 एम्प्टी खाली रहेगा, 1 डाउन, फिर 1 अप, 1 डाउन, 1 अप, 1 डाउन, 1 अप, 1 डाउन। ये तो आपका एक कॉलम पूरा तैयार हो गया, लेकिन आपको यही क्रॉसेस और एम्प्टी बॉक्सेस पूरे के पूरे ग्राफ में मार्क करने पड़ते हैं, तभी आपका एक वीव कंप्लीट होगा। तो जैसे ही आपने पहले कॉलम में सारे के सारे 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन मार्क कर लिया है, अब आप सेकेंड कॉलम में आएंगे, इस वाले कॉलम में। तो इसमें क्या होगा, लेकिन अब ये हर स्टेप में, हर कॉलम में रिवर्स होता जाएगा। मीन्स यहाँ जैसे 1 डाउन है तो इस वाले बॉक्स में 1 अप हो जाएगा, 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। अब नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ डाउन है तो यहाँ अप हो जाएगा, 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, फिर से रिवर्स। और इसी तरीके से ये सारा ग्राफ कंप्लीट होता जाएगा। अब जब आपने सारे क्रॉसेस मार्क कर लिए 1 अप 1 डाउन के हिसाब से, उसके बाद इन क्रॉसेस को लगाने का मतलब ये होता है कि इन क्रॉसेस से हमें लिफ्टिंग ऑर्डर का पता चलता है। लिफ्टिंग ऑर्डर मतलब एक लूम के ऊपर जो उसका एक पार्ट होता है, डिवाइस होता है, जिसको हम हार्नेस या शाफ्ट कहते हैं, जिनको ऊपर नीचे किया जाता है ताकि धागों के बीच में से, वार्प के धागों के बीच में से वेफ्ट को पास किया जा सके। मीन्स ताना के बीच में से बाना को पास किया जा सके। तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम कुछ धागों को ऊपर और कुछ धागों को नीचे करें। तो अब ग्राफ कंप्लीट होने के बाद हम इसका लिफ्टिंग ऑर्डर निकालेंगे। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, आप फिर से कॉलम वाइज
देखेंगे कि कौन कौन सा क्रॉस लगा है, जैसे कि पहला वन तो आप लिखेंगे वन, फिर दूसरा क्रॉस थ्री, फिर उसके बाद फाइव, फिर उसके बाद सेवन। अब ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट वाले कॉलम में देखेंगे टू फोर सिक्स एट, टू फोर सिक्स एट। उसके बाद ये कॉलम कंप्लीट हो गया है, थर्ड कॉलम में देखेंगे वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव सेवन। उसके बाद थर्ड भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ कॉलम में चेक करेंगे टू फोर सिक्स एट, टू फोर सिक्स एट। और इसी तरीके से सभी एट के एट कॉलम्स का आप लिफ्टिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो ये हमारा बना लिफ्टिंग ऑर्डर, और इसी लिफ्टिंग ऑर्डर के हिसाब से आप वार्प इस डायरेक्शन वाले रिबन्स को और वेफ्ट डायरेक्शन वाले रिबन्स को आपस में इंटरलेस करेंगे, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल वीडियो में देखा था। अब लिफ्टिंग ऑर्डर तो हमने देख लिया कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन जब भी लिफ्टिंग ऑर्डर निकालना है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो निचली साइड से हमने नंबरिंग करी है आपने उन्हीं के हिसाब से लिफ्टिंग ऑर्डर को लिखना है। तो आपको एक तरीके से इस साइड वाले नंबर्स को भूल जाना है, उनको कंसिडर नहीं करना, उनको रीड नहीं करना। तो जो क्रॉस आपने लगाए हैं वो इस नंबर के हिसाब से आपने लिखने हैं। तभी हमने जैसे पहले में लिखा वन थ्री फाइव सेवन, फिर दूसरे में टू फोर सिक्स एट। तो कोई भी वीव क्यों ना आप बना रहे हो, हमेशा से लिफ्टिंग ऑर्डर जब रीड करना हो या मार्क करना हो तो हमें निचली साइड के नंबर्स को ही रीड करके देखना है कि क्रॉसेस कौन कौन से नंबर के हिसाब से लगाए गए हैं। तो आइए अब हम दूसरा वीव बनाते हैं जिसका नाम है बास्केट वीव। उसके लिए फिर से आप 8x8 का ग्राफ बनाएंगे। आप इस दिशा में लाइंस इस साइड से भी बनाएंगे। तो ये आपने फिर से 8x8 का ग्राफ बना लिया है। अब फिर से हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने पहले ग्राफ में प्लेन वीव के ग्राफ में सीखा था, उसी तरीके से पहले नंबरिंग इस दिशा में की जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। अब इसके बाद इस दिशा से नंबरिंग की जाएगी, और जैसे कि पहले बताया गया था वन यहीं से शुरू करना है ताकि ये वाला बॉक्स आपका वन कॉमन रहे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब जैसे ही हमने ये ग्राफ में नंबरिंग कर ली, उसके बाद जो बास्केट वीव होता है वो होता है टू अप एंड टू डाउन। तो जैसे हमने पहले वीव में सीखा था, पहले ग्राफ में सीखा था कि जब भी हमने अप मार्क करना है तो हम क्रॉस से दिखाते हैं, दर्शाते हैं उसको, और जहाँ पे भी डाउन आपने दर्शाना है उस बॉक्स को हम खाली छोड़ देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि बास्केट वीव 2x2 बास्केट वीव बनाने के लिए हमें ग्राफ के अंदर क्रॉसेस को कैसे दर्शाना है या मार्क करना है। तो सबसे पहले वन बॉक्स से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये बास्केट वीव टू अप टू डाउन होता है तो हम दो बार ही क्रॉसेस को लगाएंगे। किस कैसे? इस तरीके से टू अप, तो फिर उसके बाद टू डाउन, टू अप टू डाउन। लेकिन इसमें अगले कॉलम में यहीं पे रिवर्स नहीं होगा, आप दोबारा से सेम यही मार्क करेंगे, जैसे कि टू अप टू डाउन, टू अप टू डाउन। अब जो आपने इन दो कॉलम्स में मार्क किया है, अब उन दोनों का रिवर्स इन दो कॉलम्स में होगा। मींस यहाँ पे हमने किया टू अप टू डाउन, टू अप टू डाउन, फिर से यही चला टू अप टू डाउन, टू अप टू डाउन। अब यहाँ से जाके थर्ड कॉलम में रिवर्स होगा। अब यहाँ पे जैसे टू डाउन है तो यहाँ पे टू अप, फिर टू डाउन, टू अप टू डाउन, और इसके बाद दोबारा से यही रिपीट होगा, टू अप टू डाउन, टू अप टू डाउन। कहने का ये मतलब है कि जो इन दो कॉलम्स में अप रहेगा, अगले दो कॉलम्स में वो डाउन हो जाएगा। यहाँ जैसे डाउन है, यहाँ अप हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इस पूरे ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा 2x2 बास्केट वीव का ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। और जैसा हमने पहले प्लेन वीव के ग्राफ में देखा था कि क्रॉसेस मार्क करने के बाद हमें निकालना होता है लिफ्टिंग ऑर्डर, तो इसका लिफ्टिंग ऑर्डर निकालने के लिए भी हम इन साइड्स के नंबर्स को भूल जाएंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, निचले साइड के नंबर्स को ही हम काउंट और कंसिडर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमें देखना है क्रॉसेस कहाँ कहाँ लगे हैं। तो देखिए पहले 1, 2, 5, 6, तो आप लिखेंगे 1, 2, 5, 6, उसके बाद सेकेंड कॉलम में फिर से 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, थर्ड वाले में 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8, फोर्थ कॉलम में फिर से 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8, इसी तरीके से आप कंप्लीट ग्राफ का लिफ्टिंग ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। तो जब भी आपने रिबन वीविंग के अंदर 2x2 बास्केट बनाना होगा तो आप इस लिफ्टिंग ऑर्डर के हिसाब से ही रिबन्स को आपस में इंटरलेस करेंगे। मगर बास्केट वीव क्योंकि एक प्लेन वीव का वेरिएशन है तो इसमें 2 up 2 down, 3 up 3 down, 4 up 4 down, 10 up 10 down, कितना भी अप्स एंड डाउन से हम बास्केट वीव को कर सकते हैं। फ़र्क इतना होता है कि जितना नंबर ऑफ अप्स एंड डाउन्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उतना ही फैब्रिक के अंदर जो वीव का पैटर्न है वो लूज लूज बनता जाएगा। नेक्स्ट जो वीव हम बनाना सीखेंगे उसको बोलते हैं सैटन वीव। और सैटन वीव जो है ये मूव के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, जैसे कि 3 move satin, 5 move satin। तो आज हम जो वीव सीखेंगे सैटन वीव का वो है 3 move satin। इसको 3 move satin क्यों बोला जाता है वो जब हम इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे और बनाएंगे, क्रॉसेस मार्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको 3 move satin क्यों कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि सैटन वीव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप 1 वाले बॉक्स में पहला क्रॉस मार्क करेंगे, उसके बाद 3 count करेंगे, 1, 2, 3, और जहाँ पे 3 आता है उससे ऊपर वाले बॉक्स में आप फिर से क्रॉस मार्क करेंगे। अब ये जो क्रॉस है ये पहले वाले क्रॉस की तरह बना, तो आपको फिर से 3 count करना है, 1, 2, 3, और उसके ऊपर आप क्रॉस मार्क करेंगे। अब ये क्रॉस फिर से फर्स्ट क्रॉस की तरह बना, फिर से आप 3 count करेंगे, 1, 2 और 3 है नहीं। तो जहाँ पे भी आपके बॉक्सेस कम हो या ख़त्म हो जाएं, तो क्या करना है, क्रॉस मार्क करने के बाद 1 आपने काउंट कर लिया, इसी कॉलम में आप वापस बैक साइड जाएंगे, फिर काउंट करेंगे 2, 3, और जहाँ 3 आता है उसके ऊपर हम क्रॉस मार्क करते हैं। अब फिर से क्रॉस के बाद हम 3 count करेंगे, 1, 2, 3, और उसके ऊपर क्रॉस, फिर से 3 count करेंगे, 1, 2, 3, इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास 1, 2, 3 count करने के लिए बॉक्सेस नहीं है, तो जहाँ पे जिस कॉलम में हमने क्रॉस मार्क किया है उसी में आप रिवर्स साइड बैक साइड जाएंगे और काउंट करेंगे, 1, 2, 3, और उसके ऊपर, फिर 1, 2, 3, और उसके ऊपर वाले बॉक्स में क्रॉस मार्क करेंगे। तो ये आपका 3 move satin वीव का ग्राफ कंप्लीट हुआ है। अब ग्राफ में आपने क्रॉसेस कंप्लीट कर लिए हैं, मार्किंग कंप्लीट कर ली, अब फिर से इसका लिफ्टिंग ऑर्डर निकालने के लिए हम इन नंबर्स को कंसिडर करेंगे और देखेंगे क्रॉसेस कहाँ कहाँ मार्क हुए हैं। तो सबसे पहले कॉलम में 1, तो आप लिखेंगे 1, फिर 4, फिर 7, उसके बाद 2, फिर 5, फिर 8, फिर 3, और लास्ट में 6। तो ये इसका लिफ्टिंग ऑर्डर बना। तो जब भी आपने रिबन वीविंग में 3 move satin वीव यूज़ करना है तो आप ये ग्राफ बनाएंगे और इस लिफ्टिंग ऑर्डर से ही सभी के सभी रिबन्स को आपस में इंटरलेस करेंगे। तो आपका जो सैम्पल तैयार होगा वो बनेगा 3 move satin वीव। अगला जो वीव हम सीखेंगे उसको कहते हैं ट्विल वीव। बट ट्विल वीव की 4 वेरिएशंस होती हैं, राइट हैंड ट्विल, लेफ्ट हैंड ट्विल, ज़िगज़ैग ट्विल और हेरिंग बोन ट्विल। इनमें से जो सबसे अच्छा रिबन वीविंग में इफ़ेक्ट आता है वो आता है ज़िगज़ैग ट्विल वीव का। तो हम आज उसी का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो आइए देखते हैं
ज़िगज़ैग ट्विल वीव का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप वन वाले बॉक्स में क्रॉस मार्क करेंगे, फिर उसके ऊपर डायगनली, फिर तीसरा डायगनल और चौथा। तो बेसिकली आपको इस तरीके के डायगनल लाइन की दिशा में चार क्रॉसेस को मार्क करना है, फिर इसके ऊपर वाली चार, एक दो तीन चार। अब जो हम दोबारा क्रॉसेस लगाएंगे वो कुछ इस तरफ से लगाएंगे, एक दो तीन चार। फिर सेम जैसे इस तरफ से इस लाइन के ऊपर हमने क्रॉसेस को मार्क किया, इस लाइन के ऊपर से वन टू थ्री फोर। यहाँ पे आपका ज़िगज़ैग वीव कंप्लीट होता है। मगर जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक वीव का रिपीट शो करना ज़रूरी होता है, ताकि हम जो लिफ्टिंग ऑर्डर एंड में लिखते हैं वो कंप्लीट और अप्रोप्रिएट और ठीक मिले। तो इसीलिए अब नेक्स्ट दोबारा से हमें ऐसे ही ग्राफ के अंदर इस वीव को रिपीट शो करना है। उसके लिए आप दो बॉक्सेस को खाली छोड़ के फिर से सेम इस तरीके की डायगनल लाइन को क्रिएट करेंगे या बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, दो बॉक्सेस को काउंट करके एम्प्टी खाली छोड़ दीजिए और यहाँ से क्रॉसेस मार्क कर लीजिए, वन टू थ्री और फोर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये लाइन हमने फोर क्रॉसेस से बनाई थी, सेम वैसे ही ये लाइन बनी है। अब हमें इस लाइन के ऊपर वाली लाइन यहाँ पे बनानी है, वन टू थ्री और फोर बॉक्स यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी दिशा में बिल्कुल नीचे आके इस बॉक्स में ये चौथा वाला क्रॉस बजाए यहाँ के यहाँ पे मार्क कर देंगे। सेम ऐसे ही जैसे कि हमने ये वाला लाइन अब बनाया था, इसके साथ इस दिशा में ये वाली लाइन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। तो जैसे ये लाइन थी वैसे ये बनी। अब इस लाइन के ऊपर मींस इस लाइन के ऊपर वन टू थ्री। अब यहाँ पे फिर से फोर्थ वाला क्रॉस के लिए बॉक्स नहीं है, तो इसकी सीध में इस दिशा में नीचे क्रॉस लगेगा। अब अगर हम इन दो क्रॉसेस को नहीं लगाते हैं तो होगा क्या, जब आप एक्चुअली वीव करेंगे सैम्पल को तो निचला वाला ट्राइंगल शेप का वीव तो बन जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला ट्राइंगल का शेप है वो ऊपर से कटा हुआ बनेगा। तो इसीलिए हमें ये क्रॉसेस इस दिशा में नीचे आके यहाँ पे मार्क करने पड़ते हैं, ताकि आपका वीव कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि जब हम वीविंग के अंदर ज़िगज़ैग ट्विल वीव यूज़ करते हैं तो वो कपड़े के ऊपर कुछ इस तरीके से वीव को बनाता है डबल लाइन्स के साथ। और देखिए, अगर आप पहली नीचे वाली लाइन मींस ये वाली लाइन के हिसाब से अगर आप क्रॉसेस मार्क कर रहे हैं तो नीचे वाली लाइन तो पॉइंटेड आ जाएगी, नोकीली आ जाएगी। बट अगर आप ये दो क्रॉसेस जो कि यहाँ लगने थे और बॉक्सेस नहीं थे और नीचे लगा दिए हमने इस दिशा में, तो कैसा बनेगा वो वीव, कुछ इस तरीके से बनेगा अगर आप क्रॉसेस नीचे वाली दिशा में नहीं लगाएंगे। कहने का ये मतलब है कि ये क्रॉसेस मार्क करना ज़रूरी है, तभी आपका ठीक ज़िगज़ैग ट्विल वीव ऐसा पॉइंटेड बनेगा, नहीं तो वो इस तरीके से कटा हुआ बनेगा जिससे कि फैब्रिक के अंदर डिफेक्ट आ सकता है। तो ये था हमारा ज़िगज़ैग ट्विल वीव। तो ये था हमारा प्लेन वीव, वन अप वन डाउन। उसके बाद जो हमने सीखा बास्केट वीव, जो कि टू अप टू डाउन का ग्राफ है, बट जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया कि ये थ्री अप थ्री डाउन, फोर अप फोर डाउन, टेन अप टेन डाउन, अलग अलग वेरिएशंस में भी बनाया जा सकता है। तीसरा जो वीव हमने सीखा वो है थ्री मूव सैटन वीव, और इसके बारे में भी जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि ये फाइव मूव सैटन भी हम बना सकते हैं। और चौथा और जो आखिरी वीव हमने करा वो था ज़िगज़ैग ट्विल वीव, जिसमें इस तरीके से पॉइंटेड डिज़ाइन हम कपड़े के ऊपर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्लेन वीव, बास्केट वीव, थ्री मूव सैटन वीव और ज़िगज़ैग ट्विल वीव का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपने इन ग्राफ्स को अच्छी तरीके से सीख लिया और आप इन ग्राफ्स का इस्तेमाल रिबन वीविंग टेक्निक में अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।